शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बाड़मेर से खबर है, यार्ड में काम करने के दौरान करंट की चपेट में आने से दो भाइयों की मौत हो गई है। बारिश के कारण करंट की चपेट में आने से दो चचेरे भाइयों की मौत की खबर है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर रखवाया है जिला अस्पताल की मोर्चरी में। सूचना पर एएसपी जस्साराम बोस, डीएसपी रमेश कुमार सहित नागाणा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। नागाणा थाना क्षेत्र के कवास यार्ड की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर करंट की चपेट में आने से दो चचेरे भाइयों की मौत की खबर। दरअसल यार्ड में काम करने के दौरान करंट की चपेट में दो भाई आ गए, दोनों की मौत हो गई। बारिश की वजह से करंट की चपेट में आने से दो चचेरे भाइयों की मौत हुई है। दोनों ही शवों को कब्जे में ले लिया गया है और जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। सूचना पर एएसपी जस्साराम बोस, डीएसपी रमेश कुमार सहित नागाणा थाना पुलिस मौके पर है। नागाणा थाना क्षेत्र के कवास यार्ड की घटना बताई जा रही है, जहां पर यह हादसा हुआ है। अशोक हमारे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़े हैं। अशोक, दुखद यह हादसा रहा है, कैसे बारिश की वजह से करंट की चपेट में दोनों भाई आ गए? देखिए, बाड़मेर में आज दोपहर को अचानक से बारिश शुरू हो गई। हालांकि बारिश जैसा पहले मौसम नहीं था, बारिश तेज बारिश थी। और जो यार्ड है उस किसी कंपनी के यार्ड में ये दोनों भाई, चचेरे भाई जो लगते हैं, वो काम करते हैं। और अचानक से बारिश आने, जो इलेक्ट्रिकल जो काम कर रहे थे इस दरमियान, और जो वायर थे करंट, उसमें करंट फैल गया, जिसमें दोनों भाई को करंट लगने से मौके पर ही दोनों की जो है वो मौत हो गई। पुलिस ने घटना के बाद पुलिस को जानकारी दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों के शव है वो बाड़मेर के जिला अस्पताल मोर्चरी में रखवाए हैं। परिजनों को इत्तला कर दी गई और आगे की पूरी कार्यवाही पुलिस द्वारा की जा रही है। जी, परिजनों की तरफ से कुछ कहा जा रहा है क्या इस पूरे मामले में अशोक? हालांकि अभी जो है घटना थोड़ी देर पहले की है, अभी शव जो है बाड़मेर के जिला अस्पताल मोर्चरी में लाए गए हैं। परिजन आ रहे हैं, जैसे परिजनों की पुलिस का कहना है कि जो परिजन रिपोर्ट देंगे उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटना होती है और तो यार्ड की गलती कहें या के किसी की लापरवाही की बात करें, तो ये निश्चित तौर पर सामने आ सकती है और ऐसे में परिजनों का जो है विरोध भी हो सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अशोक पूरी जानकारी के लिए।